अच्छा, जिनका मंडे को है ना, सेंट एंथनी का मंडे को है, और उनको नेशनलिज्म इन इंडिया करना था। मैंने 3 वीडियो बनाए, एक काफी डिटेल में नेशनलिज्म इन इंडिया का, मैंने उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। तीनों वीडियो अच्छे से देख लेना, नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, शायद क्लास से भी बेहतर वीडियो बना होगा, ठीक है? वो अच्छे से एक दो बार देख लेना बेटा, और उसके बाद से कल हम जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। और मैंने नोट्स तो पहले ही भेज रखा है नेशनलिज्म इन इंडिया का। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। तो अब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो शुरू करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें से कुछ, निकिता तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको उसमें भेज दूंगा, ठीक है? यू हैव माई नंबर निकिता? ओके, मैंने नंबर भेज दिया चैट बॉक्स में। ओके, नाउ लिसन। तो इसमें से भी कुछ सेट क्वेश्चंस आएंगे, सेट क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखो। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री एंड बैकबोन बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। व्हाई? दूसरा क्वेश्चन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर रीजन, वाई? तीसरा क्वेश्चन, चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद से एक और क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिनी सीमेंट प्लांट एंड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट। मिनी सीमेंट प्लांट एंड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। आयरन एंड स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से इसमें से आता ही है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया ये क्वेश्चंस? Yes, sir. सर, एक मिनट, जिन्होंने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो, आसान हो जाएगा। जो लैपटॉप वगैरह में बैठे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले, देखो बेटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है। एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके ऊपर अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जिसके ऊपर दूसरे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, चाहे वो हेवी इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री है, वो डिपेंडेंट होता है मशीनरी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नंबर टू, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करता है, एक बड़े से एरोप्लेन से लेकर छोटे से पीन तक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जरिए आता है। इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाता है। कहा जाता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है और जितना कंजम्पशन हो रहा है, ये बताता है कि कंट्री कितना डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है। जितना ज्यादा कंजम्पशन है आयरन एंड स्टील का, जितना ज्यादा प्रोडक्शन है आयरन एंड स्टील का, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अब इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, पूरा वर्ल्ड का एवरेज कंजम्पशन, वर्ल्ड का एवरेज कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड स्टील इज 182 केजी पर हेड पर एनम, पर हेड पर एनम। इतना कंजम्पशन पूरे दुनिया में होता है ऑन एन एवरेज। इंडिया का एवरेज कंजम्पशन कितना है मालूम है? इंडिया का एवरेज कंजम्पशन इज ओनली 49 केजी। This itself proves another fact why India is not developed. हम जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाएंगे, जितनी ज्यादा रोड्स बनाएंगे, जितने ज्यादा ब्रिजेस बनाएंगे, जितने ज्यादा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश करेंगे, उतना ज्यादा आयरन का कंजम्पशन होगा। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ आयरन इज चाइना। It is the largest producer of iron as well as the largest consumer of iron. इसीलिए चाइना का डेवलपमेंट देख लो, चाइना बहुत तगड़े तरीके से डेवलप किया है। Yes, recent is 63 kg. Yes. ठीक है, अब देखो बेटा, बेसिक इंडस्ट्री का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? बेसिक इंडस्ट्री का मतलब हमने बोला था कि वो इंडस्ट्री होता है जो इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है, या दूसरे इंडस्ट्री उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट, दूसरे इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं मशीनरी वगैरह के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। यस ठीक है बेटा, हाँ दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू 2010-11। ठीक है, तो और उसके बाद से दूसरा चीज देखो, बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला गया, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता है, वैरायटी ऑफ गुड्स, इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट को ये आपको बनाता है जिसके ऊपर सारे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं, कंज्यूमर डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई इसको फिर से बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। जितना ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा आपको कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज है, तो इंडिया ने क्या करना है, इवन इफ आई टेक अभी का प्रेजेंट, आप क्या बोल रहे हो, वर्ल्ड का एवरेज है 208 केजी और इंडिया का 63 केजी, अभी भी हम बहुत पीछे वर्ल्ड के एवरेज से, वी आर फार बिहाइंड। इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में तो वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, तभी तो वो डेवलप्ड होगा। हम क्या करते हैं, हमारे आयरन आयरन और जो हम निकालते हैं ज्यादातर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जापान वगैरह में, हम खुद इस्तेमाल कम करते हैं। अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है बेटा, इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो वो सब चीज तो अभी हमारे पास है ही नहीं।
तो हम बेच रहे हैं, ठीक है बेटा, वहां से पैसा आता है, वाई शुड बी कीप इट, ठीक है समझ में आया। तो ये चीज हो गया। अब दूसरा चीज देखो बेटा, अब ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक इंडस्ट्री फ्यूचर कंजम्पशन के लिए इंडिया में बहुत है बेटा आयरन ऑर, ठीक है। अब अगला चीज समझो, अगला चीज मैंने बोला छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्यों होता है, अब आप समझो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मेटेरियल क्या है। रॉ मेटेरियल है आपको आयरन ओर, कोकिंग कोल और आपको लाइम स्टोन, ये तीन चीजें चाहिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इन द रेशियो 4:2:1, ठीक है 4:2:1 इस रेशियो में चाहिए होगा। अब इस रेशियो में जो आयरन और कोकिंग कोल और लाइम स्टोन चाहिए, ये अब ये तीनों के तीनों रॉ मेटेरियल क्या है, हेवी रॉ मेटेरियल है। तो ये सारे रॉ मेटेरियल हेवी है, और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी तो हेवी प्रोडक्ट होगा, हल्का फुल्का प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, हेवी प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब अगर रॉ मेटेरियल भी हेवी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हेवी है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहां होना चाहिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उस जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उस जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर सारे रॉ मेटेरियल आसानी से मिल जाते हैं। वो जगह कहां पर है? छोटा नागपुर प्लेटू एरिया, उधर ही तो सारे आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो आपको ये दुर्गापुर है, चाहे वो झारखंड के इलाके हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, चाहे वो ओडिशा के इलाके हैं, ये सब आपको जहां पर भी आयरन ओर का माइनिंग होता है वो मेजोरिटी एरिया छोटा नागपुर रीजन में है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस एरिया में कंसंट्रेटेड है कि रॉ मेटेरियल भारी है, वहीं से उठाओ, वहां फैक्ट्री में ले जाओ, फैक्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसे मार्केट में ले जाओ। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में होने के पीछे क्या उसका वेट, रॉ मेटेरियल का वेट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट का वेट क्या यही एक रीजन है? द आंसर इज नो सर, ये तो एक रीजन है, बाकी रीजन क्या है? आपको मालूम है छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास में पोर्ट फैसिलिटीज बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं। आपको उसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो भी बेहतर है, आपको अर्बन सेंटर्स लाइक कोलकाता है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस फैसिलिटी है, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर रीजन, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू 2010-11 इन इंडिया वी प्रोड्यूस 72.2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। अभी कितना हो गया है बेटा, नई किताब में कितना है? में 72.2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस होता था और इंडिया का रैंक फोर्थ था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ रैंक था इंडिया का, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन जो होता है, एक सॉफ्ट आयरन होता है स्पॉन्ज आयरन, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। अगर आप देखेंगे चाइना क्यों इतना ज्यादा डेवलप हो गया, इंडिया क्यों इतना कम डेवलप हुआ, उसके पीछे एक मेन कारण है कंजम्पशन ऑफ आयरन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक टाइम में मेजोरिटी ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे
गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थे, और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जितने भी स्टील बनाती थी उन सारे स्टील की मार्केटिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करता था सेल। आज के दिन में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, प्राइवेट कंपनी सब है। पहले भी एक था टाटा स्टील, बाद में आपको दुनिया के बड़े बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आ गए, ठीक है। इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन आयरन है, ठीक है। अब आखिर ऐसा क्यों है, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ का आयरन और सस्ता पड़ता है। अगर आप छोटा नागपुर एरिया की बात करते हैं, छोटा नागपुर एरिया में लो कॉस्ट ऑफ आयरन ऑर है, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ऑर, चीप लेबर आपको आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे लेबर चाहिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, मार्केट आसपास में है, हेवी रॉ मटेरियल है, हेवी फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर रीजन में, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट फैसिलिटीज, ये सब चीजें हैं। नाउ अब इसके बाद से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक चीज हमने पढ़ना है, दैट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसमें नंबर वन, हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल, कोकिंग कोल बहुत महंगा है इंडिया में। नंबर टू, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, कोल खत्म होने वाली है इंडिया में, कोल के पूरा रिजर्व्स, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर हमारे ढंग से काम नहीं करती, उतने स्किल्ड नहीं होते हैं, इरेगुलर पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स वगैरह अभी भी इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह आयरन एंड स्टील को ले जाने में दिक्कत होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, समझ में आया, समझ में आ गया बेटा? प्लीज रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो बेटा, सबसे पहले तो समझो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी बनता है उसके ऊपर दूसरे इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाता है, एक एरोप्लेन से लेकर एक छोटे से पिन तक, डिफेंस इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब चीजें ये बनाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तभी तो हम इसको कहते हैं कि इट इज बेसिक इंडस्ट्री एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नो इंडस्ट्री कैन डेवलप विदाउट डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक देश का डेवलपमेंट आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन और प्रोडक्शन कितना है उससे नापा जाता है, इट इज एन इंडिकेटर। जैसे कि अगर पूरे दुनिया का जो है एवरेज कंजम्पशन ऑफ स्टील, इट इज 208 kg पर हेड पर एनम, और इंडिया का कितना है, 63 kg पर हेड पर एनम। ये फैक्ट ये चीज को बताता है कि इंडिया अभी भी डेवलपमेंट में लैग क्यों करता है।
इंडिया जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इस आयरन एंड स्टील। पूरे वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील का जितना ट्रेड होता है उसका 2.25% सिर्फ इंडिया से होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर रीजन में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मेटेरियल चाहिए, कोकिंग कोल, आयरन ओर, लाइम स्टोन, ये सब चीजें चाहिए, सारे बल्की रॉ मेटेरियल्स हैं, हेवी रॉ मेटेरियल्स। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी होता है वो भी हेवी होता है, हेवी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। तो अब ये हेवी फिनिश्ड प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल भी हेवी है, उसके बाद से हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सस्ते लेबर चाहिए, बहुत सारे लेबर चाहिए। हमें जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, पोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, सी पोर्ट वगैरह पास में चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा आयरन और हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें छोटा नागपुर रीजन में मिलता है, इसीलिए वहां पर माइंस है, आयरन और माइन, तो वहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना नहीं पड़ेगा। पोर्ट आसपास में, विशाखापट्टनम पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, ये सारे उसी इलाके में है, तो उसके वजह से भी आपको वहां पर आसानी हो जाता है। तो ये सब कारण है उसके कंसंट्रेशन का। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम क्या है? कोकिंग कोल का कॉस्ट बहुत ज्यादा है इंडिया में, कोकिंग कोल की कमी है इंडिया में, इंडिया में लेबर का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं है, इरेटिक है, इरेगुलर है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब चीजें अभी भी इंटरनेशनल क्वालिटी का नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, देखो एल्युमिनियम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है मेटल इंडस्ट्री में, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है मेटल इंडस्ट्री में। ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम इज नाउडेज यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ आयरन, रिप्लेसमेंट ऑफ आयरन की तरह इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम के साथ कोई दूसरा मिनरल मिक्स कर दो, इट गेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन, स्ट्रेंथ ऑफ आयरन मिल जाता है। तो एल्युमिनियम आज के दिन में आयरन के रिप्लेसमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। आयरन, एल्युमिनियम जो होता है इट इज लाइट इन वेट, एल्युमिनियम जो होता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज मेलिएबल, इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विथ अदर मेटल्स, तो ये सारे कारण है आयरन, ये एल्युमिनियम का ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस बढ़ने का। आप एल्युमिनियम का अगर हम बात करेंगे तो आप देखो एल्युमिनियम का इस्तेमाल आजकल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी हो रहा है, एयरक्राफ्ट बनाने में, आपको दिल्ली मेट्रो, ट्रेन बनाने में, ट्रेन वगैरह पर पहले सारा का सारा आयरन का बनता था, ट्रेन के डिब्बे, अब एल्युमिनियम का बन रहा है। गाड़ियों के जो बॉडी होते थे पहले उसमें आयरन होता था, अब पूरा का पूरा एल्युमिनियम, हवा के झोंके जैसा होता है, तेज हवा चलता है तो गाड़ी हिलने लगती है इधर से उधर, नैनो में तो निकलना भी नहीं।
समझ गए? तो ये एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है आजकल एयरक्राफ्ट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, यूटेंसिल्स में ये आपको मालूम है बर्तन वर्तन एल्युमिनियम के बहुत सारे बनते हैं, फिर उसके बाद से आपको वायर्स वगैरह एल्युमिनियम के, आप अपने घर में तो कॉपर वायर लगाते हो लेकिन जो वो BSES जो वायर बाहर देता है दैट इज एल्युमिनियम, दैट इज नॉट कॉपर। पहले कॉपर इस्तेमाल होता था, बार बार चोरी हो जाता था, अब एल्युमिनियम के वायर लगा रही है BSES। तो ये सब चीजों में एल्युमिनियम का बहुत ही इस्तेमाल होता है। जब इसको अदर मेटल से मिक्स करने की बात आती है तो इसको जिंक से मिक्स किया जा सकता है, इसको कॉपर, इसमें कॉपर मिक्स किया जा सकता है, इसमें लेड मिक्स किया जा सकता है, जिससे इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, लिसन। तो ये जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है ना बेटा, ये एल्युमिनियम स्मेल्टिंग आपको इंडिया जो है, अगर आप 2008 2009 की बात करते हैं, 15.29 लाख मिलियन टन्स एल्युमिनियम इंडिया में प्रोड्यूस हुआ। एल्युमिनियम इंडिया में इतना प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एल्युमिनियम किस चीज से बनता है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। बॉक्साइट क्या होता है मालूम है? सरफेस रॉक्स होते हैं, उस सरफेस रॉक्स जब वो वेदरिंग की वजह से टूट जाता है और फिर उसके अंदर कुछ रेसिड्यू बचता है, उससे बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट को फिर स्मेल्टिंग करके उसे एल्युमिनियम में बदला जाता है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो होता है आपको बल्कि डार्क रेडिश कलर का होता है। डार्क रेडिश कलर का होता है। एल्युमिनियम के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। और दूसरा, रॉ मटेरियल सस्ते में मिलना चाहिए। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कहीं पर लोकेट होता है। कहा जाता है कि इंडिया में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है। ओडिशा लार्जेस्ट स्टेट है। नैलको, बैलको बोल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग करते हैं और ये ओडिशा में है। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, मेरे विचार से अब जो आगे है केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री आपके सिलेबस से शायद लास्ट ईयर कट चुका है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लास्ट ईयर सिलेबस से कट चुका है, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कट चुका है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बता देता हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा बहुत, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देखो यार, इंडिया जो है अब जितना भी कह लो डेवलप तो पहले के मुकाबले में बहुत हुआ है यार। इंडिया में हर तरीके की गाड़ियां मिलती हैं, हाँ, 2 पहिए से लेके 10 पहिए 12 पहिए वाली गाड़ियां मिल जाती है इंडिया में। इंडिया में तुम ट्रक्स बोल लो, बसेस बोल लो, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर सब मिल जाता है। लिबरलाइजेशन के बाद जब 1991 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को अपनाया, उसके बाद से बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में अपना फैक्ट्री लगाया और काफी तेजी से ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ा इंडिया में। आज के दिन में इंडिया में 15 मैन्युफैक्चरर्स,
15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, 15। आपको ब्रांड भी नहीं मालूम होगा जो पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाते हैं। 15 मैन्युफैक्चरर्स, 9 मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, ट्रक्स वगैरह। 15 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सॉरी 14 मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो टू व्हीलर बनाते हैं, थ्री व्हीलर बनाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जगह में है। समझ में आ गया? ऑटोमोबाइल समझ में आ गया? ऑटोमोबाइल तो आसान सा है। सर हाँ, एक बार फिर से बता दो क्या क्या कट गया सर। केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल। मुझे डाउट है इसलिए मैं पढ़ा देता हूं। अब अगला चीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जब भी आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या आता है? ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आता है। कहा जाता है दैट बेंगलुरु इज दी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज दी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, दे आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। ये तो अभी डिक्लाइन हुआ है ना बेटा, अभी 1.5-2 साल से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये सब जगह में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के दिन में इंडिया को, इंडिया के लिए बेटा, अभी तो लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है। अंशिका, लोगों के जेब में पैसा नहीं है तो वो कार क्यों खरीदेंगे? लोगों के जेब में पैसा हो तभी तो कार खरीदे। अभी तो कार, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनकी हालात बहुत ही खराब है अभी। ठीक है, अब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार। आज के दिन में सबसे ज्यादा नौकरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में निकल रही है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया में जितने इंडस्ट्रीज हैं उसमें एकलौता आईटी इंडस्ट्री ऐसा है जहां पर वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। 30% पीपल इंप्लॉयड आर वुमेन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया को बहुत तगड़ा फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो बीपीओ हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स वगैरह की जो आप बात करते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की बात करते हैं, तो ये सब चीजें इंडिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं। इंडिया में जितने ज्यादा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप होता जा रहा है, इंडिया का आईटी इंडस्ट्री उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा है। इंडिया में 46 प्लेसेस में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं। 46 प्लेसेस में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं। लेकिन ये जो आईटी का मेजर सेंटर है वो कौन सा है मालूम है? पहले, सबसे पहले तो बेंगलुरु था। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, यस इट इज मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया, बेंगलुरु में। और उसके बाद से हैदराबाद, हैदराबाद ने बहुत तगड़ा डेवलप किया। कोयम्बटूर, चेन्नई, या ये सब जगह में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है आईटी इंडस्ट्री। समझ गए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? यस सर।
व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी 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 कम्युनिकेट करो बेटा। हाँ अब इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट यार, सबसे आसान पार्ट, मैंने बोलना ही नहीं है उसके बारे में। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारे कान पक गए होंगे सुन सुनकर। वो क्या है मालूम है? वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन होता है तो हम सब लोगों को मालूम है। इंडस्ट्री अपने सारे गंदगी सब जमीनों पे फेंक देता है, नदियों में फेंक देता है। वो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो हवा में चला जाता है, हमारे एयर को पॉइजनस बना देता है, एसिड रेन वगैरह हो जाता है। ये सब कुछ आपको मालूम है, ये सब कुछ आसान सा चीज है। जो अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन होता है, आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में, आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पता है? एयर पोल्यूशन कैसे होता है? आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में पता है? वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? आपको नॉइज पोल्यूशन के बारे में पता है? नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है? एक नया नाम दिया गया, थर्मल पोल्यूशन। कुछ नहीं है ये थर्मल पोल्यूशन, सिंपल है। आप गर्म पानी कहीं भी डाल दोगे, गर्म पानी नदी में फेंक दोगे, गर्मा गर्म इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी, तो क्या हो जाएगा? नदी के सारे मछलियां भी बॉयल हो जाएंगे। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नदियों नदियों में, जो एक्वाटिक लाइफ है, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं बेटा, लाइट पॉल्यूशन तो मैंने सुना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो गर्म पानी जो आप फेंक देते हैं हॉट वाटर फैक्ट्रीज वगैरह से, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह से, उसको बिना ठंडा किए हुए नदियों में, पॉन्ड्स में, जिसकी वजह से वहां का एक्वाटिक लाइफ बर्बाद हो जाता है, उसको थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। अब ये पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए भाई? वाटर का इस्तेमाल, जो प्रोसेसिंग के लिए जो वाटर का इस्तेमाल होता है उसे कम करो, सेम पानी को रीयूज करो, रीसाइकल करो। इंडस्ट्री में पानी गया, इस्तेमाल हुआ, उसको ट्रीटमेंट करो, साफ करो, फिर से इस्तेमाल करो, रीयूज रीसाइकल। वाटर कम इस्तेमाल करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए सारे इंडस्ट्रीज ने। हॉट वाटर को नदियों में, पॉन्ड्स में फेंकने से पहले उसकी ट्रीटमेंट कर लो, उसको ठंडा कर लो। और ये जो इसका ट्रीटमेंट होता है, तीन स्टेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब मैकेनिकल तरीके से, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है शायद, 8th या 7th में, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, सेडिमेंटेशन, ये सब चीजें होता है आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो आप बैक्टीरिया वगैरह डाल देते हो, जो पानी में जो आपको पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं उसको खा जाता है, ये चीज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है, केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है, केमिकल वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप वाटर को ट्रीट कर सकते हो, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को बचा सकते हो। आप कोई भी गंदगी आप डायरेक्टली नदियों में या डायरेक्टली जमीन में ना फेंको। आप जो भी मशीनों का इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। जहां पर भी पोल्यूशन होता है वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के टेक्नोलॉजी सब लगाओ। अपने फैक्ट्री के चारों तरफ ग्रीन एरियाज बनाओ, जैसे कि आपको एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, थर्मल
थर्मल पावर प्रोड्यूस करता है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कोल जब जलाया जाएगा तो पॉल्यूशन कितना ज्यादा होता होगा थर्मल पावर प्लांट में। जो लोग दिल्ली के हैं तो उनको पता है कि आपको दिल्ली में आईटीओ के पास में एक थर्मल पावर प्लांट था जिसे गवर्नमेंट ने 2 साल पहले बंद कर दिया क्योंकि दिल्ली के पॉल्यूशन में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉल्यूटर था वो। एनटीपीसी ने क्या किया है, एनटीपीसी को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है किस चीज पर, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। इसने जिस तरीके का एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया, इसने क्या किया, अपने जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके पास जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट था वो सबको अपग्रेड किया, इसने वेस्ट जेनरेशन को मिनिमाइज किया बाय यूटिलाइजिंग द वेस्ट। अब जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में अगर कोयले को जलाया जाएगा तो क्या बचेगा, कोयले को जलाया जाएगा तो क्या बचेगा, उसका राख बचेगा। वो राख तो बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा हवा आएगा वो चारों तरफ उड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसको क्या किया करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे देते हैं जो उससे ब्रिक्स बनाते हैं, ईंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहा जाता है उसको। इस तरीके से उसका इस्तेमाल करने लगे ताकि कहीं पर पॉल्यूशन ना हो। उनके जहां पर भी थर्मल पावर प्लांट है उसके चारों तरफ ग्रीन एरिया डेवलप किया इन्होंने, एफॉरेस्ट्रेशन किया इन्होंने, जो पॉन्ड मैनेजमेंट वाटर रिसाइकलिंग वगैरह अपनाया इन्होंने, जो भी एक्शंस लिए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन सारे पॉलिसीज को वो बीच बीच में रिव्यू करते हैं, इसी वजह से उनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला। तो एनटीपीसी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, एनटीपीसी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल विच Each and every industry can follow to reduce pollution. समझ में आ गया बेटा? Now listen, कल 10 बजे से 1.5 आवर की क्लास है। Tomorrow 10 AM 1.5 आवर की क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, जिनके भी एग्जाम में आ रहा है, जिनके भी एग्जाम में आ रहा है दे विल कम, जिनका अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है वो नहीं आएंगे तो चलेगा, मैं बाद में भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने अभिदीप आपको बोला था ट्यूसडे वगैरह को क्लास लूंगा, पीयूष तुम कल अटेंड कर लेना बेटा, कल 10 बजे। ठीक है ना, एक ही क्लास में खत्म करेंगे, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, इसमें नेशनलिज्म इन यूरोप को हम खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद से मैं उसी वक्त मैं उसके बाद से मैं नेशनलिज्म इन इंडिया या जिनका भी मंडे को एग्जाम है उन सब के लिए डाउट क्लास रखूंगा, और वो डाउट क्लास करीबन मैं 2-2.5 बजे रखूंगा। इज इट फाइन विथ एवरीवन? क्योंकि उस वक्त क्या होगा, आप लोग सारा कुछ पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे एक एक करके मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके चलो अब अटेंडेंस ले ले। हाँ ब्राह्मी, प्रेजेंट सर, यस जिज्ञासा प्रेजेंट, कसक प्रेजेंट, लक्ष्य छाबरा, लक्ष्य छाबरा, लक्ष्य प्रेजेंट, लक्ष्य प्रेजेंट, सर मयंक, मयंक प्रेजेंट, मिनाल, प्रेजेंट, मिनाल नहीं, निकिता खिलवानी भी नहीं आ रही है, प्रणय प्रेजेंट, प्रीसा प्रेजेंट, सारिम, सारिम,
सारिम सर प्रेजेंट, प्रेजेंट स्वयं प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। उज्जवल उज्जवल भाटी, ये भी नहीं आ रहा है बहुत दिनों से। अब्दुर प्रेजेंट, अभिदीप प्रेजेंट, अंश प्रेजेंट, अंशिका प्रेजेंट, अरमान प्रेजेंट, आर्यमान प्रेजेंट, आसना प्रेजेंट, भविष्य प्रेजेंट, भूवी प्रेजेंट, ध्रुवी प्रेजेंट, दिवकरण प्रेजेंट, हर्ष। हर्ष आया है आज? हर्ष नहीं है। ओके, इकजोत प्रेजेंट, इशिता, इशिता, इशिता इज नॉट प्रेजेंट, जानवी, जानवी नॉट प्रेजेंट टुडे, जूली प्रेजेंट, कनक प्रेजेंट, यस, कानव, कानव क्रिस नहीं है, लक्षिता प्रेजेंट, लक्ष्य कुमार प्रेजेंट, मनन प्रेजेंट, मनस्वी, मनस्वी, मनस्वी इज नॉट प्रेजेंट, मानसी रावत प्रेजेंट, फजल नूर प्रेजेंट, निकिता सेजवाल प्रेजेंट, पीयूष प्रेजेंट, प्रीतिका, प्रीतिका प्रेजेंट, प्रियांशी, प्रियांशी, प्रियांशी इज एबसेंट, रजत गुप्ता प्रेजेंट, रजत, प्रेजेंट सर। हाँ, देन रोहित यस गुप्ता सर। प्रेजेंट, रुद्राक्ष प्रेजेंट, सत्यम एबसेंट, सत्यम एबसेंट, सौम्या प्रेजेंट, उत्कर्ष प्रेजेंट, वैष्णवी प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, वेदांती प्रेजेंट, विक्रमादित्य, वृद्धि, यवनिका प्रेजेंट, योग प्रेजेंट, जेसन प्रेजेंट। सो दैट्स इट बेटा, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, यस बेटा। सर मेरा कर लिया क्या मनन? हाँ, मनन कर दिया बेटा, थैंक यू सर। यस बेटा।